श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों क्लास 12 के लिए सबसे अच्छा चैप्टर लेकर आया है मैट्रिसेस। आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z फ्रॉम द इक्वेशंस, हमें ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है बच्चों, और हमसे इसमें पूछा जा रहा है कि x और y z की वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पहला वाला हम सॉल्व करेंगे, देन हम इसमें सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है मैट्रिसेस में, x प्लस वाई 5 + z 2 xy, और इसको बंद करके इस तरह से दूसरे मैट्रिसेस में क्या है बच्चों 6 2 5 8। एक बात याद रखिएगा बच्चों, इक्वालिटी मैट्रिसेस क्या होते हैं कि अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स है और आपस में इक्वल है, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ x और y होने की वजह से यहाँ नहीं बता पा रहे हैं, z होने की वजह से यहाँ वाला नहीं बता पा रहे हैं, x y होने की वजह से यहाँ नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए 2 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इसका मतलब इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों, बहुत सिंपल तरीका होता है, ठीक है, कि सेम प्लेस की वैल्यू को दूसरे वाले मैट्रिक्स के सेम प्लेस की वैल्यू से क्या कर दिया जाता है, इक्वल कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं x प्लस y, और इक्वल केवल उन्हीं को करिए जिसमें हमें x y z आ रहा है। ठीक है, तो देखिए x प्लस y किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो बच्चों यहां पे लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर बच्चों फर्स्ट मान लीजिए। फिर 5 प्लस z किसके इक्वल होगा बच्चों, इस 5 के इक्वल होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे 5 प्लस z इक्वल टू 5, और यहां से z तो निकल सकता है ना बच्चों, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, z इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों। तो आप चाहो तो यहां पे इसको आपने मान लिया, मान लीजिए सेकंड इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि आपने z की वैल्यू नॉर्मल तरीके से ही निकाल लिया आपने। तो इसके बाद आपको क्या मिलेगा बच्चों, एक्स वाई, तो एक्स वाई आपके पास क्या है, एक्स वाई हमारे पास 8 है बच्चों, और ये इक्वेशन हो गई थर्ड। इस तरह से आपको सवाल लगाना चाहिए, ठीक है, सेम प्लेस की वैल्यू को सेम प्लेस की वैल्यू से इक्वल कर देना है। अब हमको क्या करना है बच्चों, जेड की तो वैल्यू मिल रही है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, देन इन दोनों इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। तो हम यहां लिखेंगे क्या, फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। अब बच्चे यहां से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए y की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ x के, तो x को उधर ले जाएंगे 6 - x, और पुटिंग क्या करेंगे बच्चों, पुटिंग कर देंगे, इसमें पुटिंग करेंगे, पुटिंग इन थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे लगा देंगे। तो यहां हो जाएगा x, y की वैल्यू कितना है बच्चों 6 - x = 8, x का अंदर इंटू करिए 6x - x² = 8, ये दोनों वैल्यूज राइट में ले जाइए बच्चों। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, और ये पहले से यहाँ लिखा है बच्चों, इधर कुछ भी नहीं बचेगा, तो जीरो हो गया। अब इसके फैक्टर करने हैं बच्चों, इसका फैक्टर बड़ा आसान होता है बच्चों, आप देख सकते हैं मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट कर देना है, दो भागों में ब्रेक कर देना है, और 8 के फैक्टर, मतलब 8 हमारा क्या होगा, 8 कैसे मतलब हमें वैल्यूज दो लेने होंगे, जिससे उनको एडिंग या सबट्रैक्टिंग करने पर 6 आना चाहिए बच्चों। तो हमें वो नंबर मिलने चाहिए x² - 4x और - 2x, देखिए 6x को लिख दिया आपने, -4x, ठीक है, और -2x कितना होता है -6x, और 4 2 का इंटू 8 होता है, -+ होता है, xx का इंटू x², सब कुछ सही है बच्चों। तो यहां से हम फैक्टर करके x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो x कॉमन करिए इन दोनों से, तो x - 4, यहां से -2 कॉमन करिए, x - 4 = 0, दोनों ब्रैकेट से हम देख सकते हैं x - 4 कॉमन है बच्चों, कॉमन कर लेंगे, x - 2 = 0। अब बच्चों क्या करना है, एक बार x - 4 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x = 4, और एक बार क्या करेंगे बच्चों, x - 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी हमको 2। तो वैल्यूज लिखेंगे कैसे बच्चों, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन में z की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 0 आ रही है। तो 0 के लिए हमें क्या करना होगा, आपको समझना होगा कि हमने अभी x की वैल्यूज निकाली है, y की वैल्यूज नहीं निकाली है, तो हम क्या करेंगे, ये जो थर्ड इक्वेशन है बच्चों, इसको हम मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। ऐसा क्यों, क्योंकि फोर्थ में हम वैल्यूज लगाएंगे ना, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन से क्या हो जाएगा बच्चों, y = आपके पास था 6 - x, अब इसमें हम x = कितना लगाएंगे 4, तो y कितना मिलेगा 2, मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, 6 - 4 कितना आएगा 2। अब हमें x की दो वैल्यूज है, तो बच्चों हमें लगाना होगा ना, देखिए x = 4 लगाने पर y की वैल्यू 2 मिली है, लेकिन z हर हाल में क्या रहेगा 0 ही रहेगा, जेड हर हाल में क्या रहेगा 0 ही रहेगा, ठीक है, एक्स 4 लेने पर वाई 2 लेने पर जेड 0 रहने वाला है। अब एक्स कितना लेंगे बच्चों 2, तो यहाँ 2 जब लगेगा तो वाई कितना मिलेगा 4, वाई कितना मिलेगा 4, लेकिन यहाँ पे भी जेड क्या रहेगा 0 रहेगा, यहाँ पे भी जेड क्या रहेगा 0 रहेगा, यही हमारे आंसर है बच्चों, यही हमारे क्या है
आंसर है। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम सेकंड सवाल लेते हैं बच्चों, इसको इरेज करते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि आप बेहतरीन तरीके से इसके सवाल लगा सके बच्चों, ठीक है ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों। देखिए सेकंड नंबर सॉल्यूशन ले लीजिए बच्चों और मैट्रिक्स को नोट करिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में वैल्यूज है 9, 5, 7। बच्चों बड़े ही आराम से करेंगे इस सवाल को भी और आपके एक नंबर हम पक्का करा देंगे, ठीक है ना। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये देखिए आपके पास ही क्या है, ये वन कॉलम है और थ्री रोज है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये 3x1 की मैट्रिक्स है बच्चों, पहले रो लिखा जाता है फिर कॉलम, तो ये रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम ट्रिप 1 है, तो 3x1 की मैट्रिक्स है। सेम वही वहां पे भी है, 3 रो एंड 1 कॉलम, 3x1 की मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3x1 है बच्चों। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इस प्लेस पर कौन सी वैल्यू है, 9। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 और वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स वाई जेड का आंसर आ जाएगा एक्स वाई जेड में। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम पहले लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम ये दो इक्वेशन यूज करेंगे बच्चों। तो हम जानते हैं कि एक्स प्लस जेड किसके इक्वल है, 5 के, तो एक्स और प्लस जेड, तो इनकी जगह हम क्या देखें ऐसे करिए आप, एक्स प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन का यूज लिखा है हमने, यहाँ पे 5 लगा देंगे, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, ये आपका y निकल आया बच्चों। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट एंड थर्ड ले लेना है बच्चों। देखिए कितने आराम से हम बता रहे हैं आपको, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड बच्चों, फर्स्ट एंड थर्ड क्यों ले रहे हैं बच्चों, सेम वैल्यू जैसे यहां लिखा था वैसे यहां भी लिखा है, तो हम क्या लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है बच्चों। देखिए हम सेटलमेंट कर लेंगे इसके साथ y प्लस जेड, तो आप देख सकते हैं ये y प्लस जेड हमारे पास कितना गिवन है बच्चों, 7, तो यहां से हमारा जो x मिलेगा 9 में 7 जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, 9 में जब 7 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको 2 मिल जाएगा, यानी x की वैल्यू निकल आई। अब बच्चों किसकी वैल्यू बची है, देखिए y मिल गया 4, x मिल गया 2, तो आप किसी भी इक्वेशन में लगाकर आप जेड निकाल सकते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं फ्रॉम सेकेंड से, क्या निकाल लें, फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड में देखिए x प्लस जेड है बच्चों, तो x प्लस जेड इक्वल टू 5 हमको चाहिए जेड, तो 5 माइनस x हो जाएगा बच्चों, और x की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू 2, तो जेड आ गया 3, तो आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर होगा x हमारे पास है 2, y हमारे पास है 4, ये देख सकते हैं, और जेड हमारे पास है 3, ये आपके क्या होंगे आंसर होंगे। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों और उम्मीद है आपके एक नंबर पक्के हो गए होंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। बच्चों नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, देखिए ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, सी मैट्रिक्स गिवन है, आपसे क्या फाइंड करा रहा है, फर्स्ट है ए प्लस बी, सेकेंड है 3a-c और थर्ड है ए बी, तो हमको ये चीजें निकालनी है बच्चों। तो कैसे निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन सबसे पहले कंडीशन नंबर फर्स्ट वाला हम निकालेंगे ए प्लस बी। तो बच्चों हम देख सकते हैं ए मैट्रिक्स हमारे पास कितना है 2 और ये है 4, ये है 3 और यहाँ पे 2 है, प्लस करना है बी के साथ, तो ये 1 है, 3 है, माइनस 2 है और ये 5 है। इनको ऐड कैसे करना है बच्चों, तो याद रखिए ऐड हम तभी कर सकते हैं जब वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए बच्चों क्योंकि सेम प्लेस की वैल्यू सेम प्लेस के वैल्यू से ही इक्वल होती है, मतलब ऐड होती है, क्या होती है ऐड होती है। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स इस तरह से दिया गया है 2, 3, 4 और यहाँ पे दूसरी मैट्रिक्स जो है वो 2, 3, 4 है, तो हम बच्चों नहीं ऐड कर पाएंगे, इसको हम नहीं ऐड कर सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना होगा। तो बच्चों चलिए हम इसको ऐड करते हैं, ऐड कैसे करेंगे, देखिए सेम प्लेस की वैल्यू सेम प्लेस की वैल्यू से ऐड होगा, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 4 का 3 में ऐड करेंगे तो 7, 3 का 2 में ऐड करेंगे, देखिए प्लस और माइनस का इनटू तो माइनस हो जाएगा बच्चों, तो ये 3 और प्लस माइनस का इनटू माइनस, तो 3-2 ऐड जरूर है लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 और 2 सब्ट्रैक्ट होके 1 आ जाएगा और 2 और 5 ऐड हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, ये आपका आंसर है बच्चों। चलिए सेकंड की बात करते हैं बच्चों, सेकंड क्या है,
थ्री ए माइनस सी। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, थ्री लिखना है और ए वाली मैट्रिक्स आपके पास जो है वो लिखना है टू फोर थ्री टू, और इसको बंद करिए। माइनस सी मैट्रिक्स आपके पास क्या दी मैंने बच्चों, माइनस टू फाइव थ्री फोर, देखिए कितने आराम से आप लगाएंगे। देखिए बच्चों इसको लगाने का एक सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है बच्चों कि जो मैट्रिक्स के बाहर का जो नंबर होता है जब हम उसको अंदर इंटू करते ना, देन वो पूरे मैट्रिक्स में होता है, यानी पूरे रो पूरे कॉलम में होगा इंटू, यानी कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सभी में इंटू करना होता है, सभी में अगर डिवाइड करने को तो डिवाइड करिए, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे इंटू करना है तो थ्री का टू में इंटू सिक्स, थ्री का फोर में इंटू ट्वेल्व, थ्री का थ्री में इंटू नाइन, थ्री का टू में इंटू सिक्स हो गया बच्चों। अब देखिए ये माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस यहाँ लगाए रखेंगे, माइनस टू फाइव थ्री और ये हो गया फोर। अब बच्चे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या करेंगे, देखिए सेम प्लेस की वैल्यू सेम प्लेस के वैल्यू से सब्ट्रैक्ट होगी क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है, तो माइनस करेंगे तो इस माइनस का जिस एलिमेंट के साथ आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें उस माइनस का इंटू होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो सिक्स लिखा और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो सिक्स प्लस टू कितना हो गया बच्चों एट, ये आपका आंसर होगा ठीक है। इसके बाद अगर हमें 12 को 5 में सब्ट्रैक्ट करना है तो देखिए माइनस और यहाँ है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, यानी 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा बच्चों 7, और 9 देखिए 9 माइनस 3 यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस का इंटू माइनस, तो 9 माइनस 3 कितना हो गया 6 हो गया, और 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 2। तो ये आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सीखा बच्चों, 3a माइनस सी को इस तरह से निकाला जाता है बच्चों, ठीक है ना। अब हम लास्ट वाला लेते हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा बच्चों, इस तरह से आपको सब्ट्रैक्ट और ऐड करना चाहिए। अच्छा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई वाला आपको ज्यादा अच्छे से सीखना है बच्चों क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। ए वाला मैट्रिक्स कहाँ है, ये टू फोर थ्री टू, और बी वाली मैट्रिक्स क्या है बच्चों, ये है वन थ्री माइनस टू और ये है फाइव। अब इसको इंटू कैसे करेंगे बच्चों, इंटू करने का भी एक बेहतरीन तरीका होता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं उसी तरह से आप इंटू करेंगे ठीक है। इस मैट्रिक्स को सही से बना लीजिए। अब देखिए कैसे करना है इंटू, तो इस रो के जितने एलिमेंट होंगे, दूसरे वाले मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट होंगे कॉलम के, उनके हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट से क्या करेंगे इंटू करेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे। इस तरह से समझिए, आपके इस रो में यहाँ पे इस मैट्रिक्स को समझिए, इस मैट्रिक्स में ये जो आपको बनाया है ये रो टाइप का है, तो रो टाइप में कितने एलिमेंट है बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए दो एलिमेंट है, ये देखिए टू और फोर, यहाँ पे टू है और यहाँ पे क्या है फोर है, और ये कॉलम, कॉलम में इस कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का जो कॉलम है बच्चों उसमें भी तो दो ही एलिमेंट है, एक यहाँ और एक यहाँ, कौन कौन से है, एक वन है दूसरा आपका माइनस टू है। तो कैसे इंटू करेंगे बच्चों, देखिए टू का होगा इंटू वन में और फोर का इंटू होगा टू में, आपको समझ में आ रहा होगा ठीक। और फिर दोनों को क्या कर देना है बच्चों, प्लस कर देना है, यानी कि हम ऐसे करेंगे टू इंटू वन आपका कितना आया टू ठीक है, और फोर इंटू टू कितना आएगा माइनस एट आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ माइनस और प्लस का भी इंटू होगा माइनस एट। अब इन दोनों को क्या करना है बच्चों, ऐड करना है, क्या करना है ऐड, तो टू और प्लस माइनस का इंटू माइनस, यानी टू माइनस एट कितना हो गया बच्चों माइनस का सिक्स कितना हो गया, ऐसे करना है बच्चों, क्या करना है। तो ये तो रहा, और इंटू करके लिखेंगे कहां बच्चों, लिखेंगे आप पहले वाले रो के पहले कॉलम के एलिमेंट की जगह, यानी इस जगह ठीक है। तो यही चीज है, ये एक संयुक्त वैल्यू मिलेगी जो आपको इस प्लेस पर लिखनी होगी, फिर यही प्रक्रिया आपको सेकेंड कॉलम में करनी है, सेम प्रक्रिया सेम प्रोसेस आपको सेकेंड कॉलम में भी करनी है, और उसी तरह से फिर उस सेकेंड वाले रो मतलब फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम के एलिमेंट की जगह उसको लिख दिया जाएगा, देखिए कैसे आप इसे समझिए। चलिए देखिए टू का इंटू किसमें करना है वन में, मैंने बोला था ईच एलिमेंट से इंटू करेंगे ठीक है, तो टू इंटू वन और इसके एलिमेंट का इंटू दूसरे वाले में करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा फोर इंटू माइनस टू, और बीच में इस तरह से ब्रैकेट लगा सकते हैं बच्चों, बीच में क्या कर देंगे प्लस, जो मैंने यहाँ पे बताया था वही तो मैं यहाँ कर रहा हूँ बच्चों। तो आपको इस जगह ऐसे लिखना है, फिर आप टू और फोर का इसमें करेंगे और यहाँ लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए टू का इंटू किसमें किया जाएगा थ्री में, और फोर का इंटू किसमें किया जाएगा, फोर का इंटू किया जाएगा फाइव में, फोर इंटू फाइव और बीच में क्या करेंगे प्लस, फोर इंटू फाइव फिर बीच में करेंगे प्लस, इसको बंद कर दीजिए। फिर थ्री का देखिए थ्री और टू है तो इसका भी ऐसे ऐसे करेंगे, फिर इसका ऐसे करेंगे ठीक है, और इस जगह लिखेंगे। तो चलिए थ्री इंटू वन करेंगे वन, और टू का इंटू माइनस टू में करेंगे तो टू इंटू माइनस टू, बीच में क्या लगेगा प्लस ठीक है, आप चाहते हैं आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। थ्री और टू का इंटू करिए बच्चों, तो थ्री इंटू थ्री
और फिर प्लस 2 इंटू 5। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए 2 1 2 और 4 माइनस का इंटू 2 का इंटू करेंगे तो माइनस प्लस का इंटू माइनस, यहाँ 8 हो जाएगा, 3 2 6 और 5 को 20 यानी 20 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और ये माइनस प्लस, माइनस 2 2 4 हो गया बच्चों, 3 3 9 हो गया और 5 2 10 हो गया। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 2 - 8 कितना बचेगा बच्चों, -6। 6 और प्लस 20 करेंगे 26, 3 - 4 करेंगे -1, 9 + 8 करेंगे तो ये 19 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा बच्चों, ये हमारा ए भी होगा। इसी तरह से बी ए निकाल सकते हैं बच्चों, यानी बी को पहले लिखकर ए को बाद में लिखकर इंटू कर सकते हैं बच्चों। याद रखिएगा ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होता, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से इंटू करने का सबसे बेहतरीन तरीका है बच्चों, आप चाहिए ये तो 2x2 की मैट्रिक्स है आपके पास, तो 3x3 की मैट्रिक्स का भी इंटू करने को आ सकता है ना, तो आपको करने का तरीका बिल्कुल यही है। यहाँ पे 3 एलिमेंट हो जाएंगे तो देन यहाँ पे भी हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट से अलग अलग करेंगे और फिर उनको हम लोग ऐड करेंगे और फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे। इसी तरह से हम सेकंड वाले से करेंगे कॉलम में, मतलब सीधा समझिए कि रो वाले वैल्यूज का इंटू किसमें करेंगे, कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंट से करेंगे बच्चों इंटू, बस यही इसमें होता है और हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट से होता है इंटू, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों।